गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। इन लास्ट क्लास इन पार्ट वन वी हैव डिस्कस द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट क्या होता है, इन लास्ट क्लास में डिस्कस इज द हाइएस्ट, ये इसको हम लोग बोल सकते हैं, नेशनल फोरम होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नेशनल फोरम का मतलब हियर वेयर आपका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होता है आपका पार्लियामेंट। सो पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट का काम है आपका मेक्स लॉ। ठीक है, तो लॉ क्या होता है, आपका कोई भी जो कानून होता है आपका पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ आपका प्रेसिडेंट होता है आपका, फिर आपका लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका लॉ जो होता है, मेक्स लॉ आपका बनता है लोकसभा में प्लस राज्यसभा में। एनी लॉ इज मेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा, आफ्टर मेकिंग लॉ इट गोज टू प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट आफ्टर साइनिंग द प्रेसिडेंट इट बिकम्स द लॉ। तो फर्स्ट काम आपका क्या हो गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट काम आपका पार्लियामेंट का हो गया आपका मेकिंग लॉ। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, पास द बिल। ये बिल जो है नथिंग बट इट इज ए लॉ। ठीक है, टू टाइप्स का बिल होता है आपका, वन इज हेयर इट इज नॉट मेंशन, वन इज आपका मनी बिल होता है और सेकेंड आपका होता है ऑर्डिनरी बिल। तो मनी बिल जो है, मनी बिल इज पास इन लोकसभा एंड ऑर्डिनरी बिल पास इन राज्यसभा। तो देयर इज अ प्रोसेस टू पास द बिल। ठीक है, फर्स्ट इट गोज टू लोकसभा। सपोज कोई बिल पास करना है, कोई लॉ बनाना है, ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट इट गोज टू लोकसभा। लोकसभा में क्या होता है, आपका रिप्रेजेंटेटिव वी कॉल से एमपी फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। देयर इज अ टू टाइम आपका आपका पार्लियामेंट में होता है, एक आपका होता है लीडिंग पार्टी होता है, एक होता है आपका अपोजिशन। ठीक है, तो राइट नो आपका जो है लीडिंग पार्टी आपका क्या हो गया, आपका अभी बीजेपी हो गया। ठीक है, अपोजिशन आपका कांग्रेस हो गया। तो आपका जनरली क्या होता है, इन लोकसभा बोथ पार्टी फ्रॉम बोथ मेंबर एमपी फ्रॉम लोकसभा आपका लीडिंग पार्टी एंड अपोजिशन दे सिट टुगेदर एंड डिस्कस एनी बिल। तो वो बिल क्या होता है, फर्स्ट ये लोकसभा में डिस्कस होता है, देन इट गोज टू राज्यसभा। ठीक है, बोथ डिस्कस करने के बाद फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दे एग्री दैट इट गोज टू प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के जाने के बाद वो बिल पास हो जाता है, दैट इज द सेकेंड वन। थर्ड वन है आपका अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका जो है, जनरली हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड होता नहीं है, बट इट इज डन इन ओनली इन पार्लियामेंट बिकॉज इट इज द हाइएस्ट नेशनल फोरम ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे अमेंडमेंट कर सकते हैं। सपोज सम लॉ इज नॉट गुड फॉर पीपल, तो क्या करते हैं, दैट लॉ ये आप अमेंड कर सकते हैं। आपका रिसेंट एग्जाम्पल है आपका 370 ऑल यू हर्ड इन कश्मीर, इट वॉज इन कश्मीर। भारत का पार्ट होते हुए भी जो है ये अलग था, वो हम लोग के संविधान को जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को दे डोंट फॉलो। तो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ये पार्लियामेंट में ही हुआ, फर्स्ट आपका लोकसभा में पास किया कि चेंज करना है, दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो आप लोकसभा में आपका चेंज किया, फिर आपका राज्यसभा में चेंज किया, फिर से एक नया लॉ बन गया। तो ये आपका थर्ड वन हो गया। थर्ड वन एनी कॉन्स्टिट्यूशन आपका चेंज हो सकता है। आपका फोर्थ वन है रिमूव हाई ऑफिशियल। रिमूव हाई ऑफिसर का मतलब है, यहाँ हाई ऑफिसर का मतलब है आपका हो गया प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट को कौन रिमूव कर सकता है, दैट इज पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट अगर उसको चूज किया है तो उसको रिमूव भी वही कर सकता है, प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इस दोनों को जो है रिमूव करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर है, बिकॉज वो क्या करते हैं, वो लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो आपका प्रेसिडेंट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, तो वो लोग फिर वोटिंग करते हैं। देयर इज अ वोटिंग प्रोसेस। अगर वोटिंग प्रोसेस में जो है अगेंस्ट में, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में अगर वोटिंग होता है तो उसको ये लोग रिमूव कर सकते हैं, दैट इज द पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आपका फोर्थ वन हो गया आपका सप्लाई इन्फॉर्मेशन टू पीपल। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोकसभा जो क्या है, हम लोग का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग ने वोटिंग किया है, उसके बाद जो है एमपी जो है पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं। तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एमपी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अस। ठीक है,
तो उन लोग का काम है कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, तो वो सभी इंफॉर्मेशन जो है पब्लिकली आप लोग को डिस्क्लोज करना है। तो एक काम ये भी है पार्लियामेंट का कि व्हाट इज हैपनिंग इन पार्लियामेंट, व्हाट इज हैपनिंग इन नेशन, दे शुड सप्लाई इंफॉर्मेशन टू पीपल। आपका 6.1 हो गया आपका सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब आपका हो गया आपका प्रेसिडेंट हो जाता है, पीएम होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, एंड वन इज आपका होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ये एग्जीक्यूटिव इज डिफरेंट टॉपिक, ये सर ये आप हम नेक्स्ट क्लास में इसका करेंगे, बिकॉज इट इज ए बिग टॉपिक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गन होते हैं एनी गवर्नमेंट आपका। फर्स्ट आपका हो गया लेजिस्लेचर हो गया, सेकंड आपका एग्जीक्यूटिव आता है, ठीक है, आपका थर्ड वन आपका आता है जुडिशरी, ठीक है। तो ये आपका सेकंड है। तो सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव दैट इन लोकसभा ओनली। मिस एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि इंप्लीमेंट ऑफ लॉ। ये तो लॉ बना दिया पार्लियामेंट जो है, लॉ तो बना दिया, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट करेगा दिस एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का मतलब आता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसा हम लोग बताएं जब भी लॉ बनता है तो फाइनली ये प्रेसिडेंट जो है साइन करता है उस पर, विदाउट साइनिंग, अगर ये साइन नहीं करता है तो कोई भी जो है लॉ लॉ नहीं होता है। तो फाइनली आपका ये आपका सिलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट करता है। फिर आपका है कंट्रोल एंड गाइडेड गाइड गवर्नमेंट। तो बीच बीच में क्या करता है, जैसा हम लोग जानते हैं देर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टी इन लोकसभा, एक आपका हो गया लीडिंग पार्टी, एक होता है अपोजिशन। तो अपोजिशन का काम क्या है, वो कंट्रोल एंड गाइड करता है कि समटाइम्स क्या होता है, ये आपका जो लीडिंग पार्टी है वो दे कैन मिस यूज द पावर, सो दैट टाइम अपोजिशन वो आप डिबेट करता है कि यू कॉन्ट डू दिस थिंग। तो कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को कि आप ये काम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट अगेंस्ट, दैट इज अगेंस्ट द पब्लिक। आपका 8.1 हो गया कंट्रोल गवर्नमेंट फाइनेंस। ये कंट्रोल गवर्नमेंट फाइनेंस भी करता है, क्योंकि पार्लियामेंट में ऑल एमपी को ये प्रूव करना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है कि आप लोगों ने कितना पैसा कहाँ पे खर्च किया है, ये बताना पड़ता है। तो ये पार्लियामेंट इसे पूछता है, सपोज कीजिए कि आपका जो है इनकम हो गया 100 करोड़, सपोज कीजिए, तो 100 करोड़ आपका इनकम आया है, तो आपने 100 करोड़ रुपीज का कहाँ पे एक्सपेंडिचर किया है, ये आपको शो करना है। तो ये पार्लियामेंट में शो करेगा, ये पब्लिकली तो आपको किसी को बता नहीं सकता है कि हमने पैसा कहाँ पे खर्च किया है, ठीक है। तो ये आपका टुडे टॉपिक इज फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट इज ओवर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग इट इज ओवर, ठीक है।